ओके, तो हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमेशा याद रखिएगा, ये क्यों क्वेश्चन में या कहने गिवन है कि ए और बी हमने ये एंगल लेने हैं, ये वाला एंगल नहीं लेना है। हमेशा याद रखना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं जैसे साइन कॉस टैन, ये सारी की सारी हमारे पास अक्यूट एंगल्स ही होते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, ना ही ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ये अक्यूट एंगल। अगर कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी कहा गया है तो ये हमारे पास अक्यूट एंगल्स ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गिवन है कि कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ बी है। कॉस ऑफ ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ ए के अकॉर्डिंग बेस कितना है, कौन सा है, दिस वन इज द बेस दैट इज ए सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही ए बी ही रहेगा। और अगर कॉस ऑफ बी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंगली बेस कौन सा है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही ए बी ही रहेगा। ये दोनों तो कट हो गए, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाता है। अब हमारे पास नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम आती है कि एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें लिखने वाली, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एंगल ए हमारे पास एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके ओपोजिट एंगल ये वाला और इसके ओपोजिट एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म हो जाता है।